मैं रविंदर यादव, पीजीटी कॉमर्स, रावलपिंडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलकागंज में पढ़ाता हूँ। पिछले मुझे अगर मैं बात करूँ पढ़ाने में जो एक्सपीरियंस है वो लगभग मुझे अभी तक 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस मैं बच्चों के साथ बिता चुका हूँ। और जो अभी मैं राइट नाउ क्लासेस लेता हूँ पीजीटी कॉमर्स एज ए कॉमर्स फैकल्टी, पिछले 7 साल से मैं अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा हूँ। मैं बात करूंगा, जैसे मेरे पास ओसवाल की ये बुक्स है, इस ओसवाल बुक्स के अंदर क्वेश्चन बैंक है जो कि बड़ा ही जबरदस्त बुक है। और ये बुक ऐसी है कि अगर एक बिगनर बिगनर स्टूडेंट अगर इसको कर ले तो वो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। और दूसरी बात, मैं ये कोई मैं अतिशयोक्ति नहीं है, ये मैं दिल से कह रहा हूँ कि हम टीचर्स के लिए बड़ी हेल्पफुल है। मान लीजिए आपको कम समय मिला है सिलेबस करने के लिए, तैयारी कराने के लिए, तो ये बुक सफिशेंट है। आप एक उस टॉपिक को, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से, दूसरी बुक्स है उस बुक वो बहुत बुक्स बड़ी मैं बात करूँ बहुत ज्यादा अगर बात करूँ फैली हुई है या बहुत ज्यादा उसमें स्टफ है, जिसकी वजह से एक बच्चा या फिर ये कह सके कि वो बच्चे जो शुरू से तैयारी ना करके लास्ट में भी तैयारी करते हैं वो बुक्स देख के भी डर जाते हैं। पर ये बुक ऐसी है अगर बच्चे ने तैयारी भी नहीं की तो 2 महीने के अंदर वो तैयारी करे तो बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकता, बहुत बढ़िया से मार्क्स ला सकता और हम टीचर के लिए बड़े हेल्पफुल है। और मैं एक बात कहूंगा कि इस बुक्स को करना बड़ा आसान है, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में चल रही है। बस एक ही चीज मुझे थोड़ा सा मैं सजेशंस देना चाहूंगा कि इस बुक्स में जैसे मैं अभी राइट नाउ इसी बुक से मैं कराने लग रहा हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैंने जब टॉपिक कराए, पहला टॉपिक जो आपका था प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो अच्छा था। सेकंड की बात करें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थर्ड में रिवैल्यूएशन अकाउंट था, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देखिए मैं पहले तो मैं बात करूं पहले तो मैं पहले चैप्टर नहीं बेसिक कंसेप्ट था आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें सारी चीज आपने बड़े अच्छे से दिया, फॉर्मेट दिया हुआ रिवैल्यूएशन का और सारी चीजें। बट मैं एक ही मेरा रिक्वेस्ट है या सजेशन समझ लीजिए कि जब हम लोग पार्टनरशिप करा रहे हैं तो पार्टनर एडमिशन करा रहे हैं तो वहां एक बार टॉपिक जो थर्ड टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, वहां पर जब रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो वहां पर रिवैल्यूएशन एक बार फिर फॉर्मेट डालना चाहिए। जहां भी वो चैप्टर शुरू होता है उससे कंसर्न है उसका फॉर्मेट दोबारा होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि मान लीजिए जो बच्चे वो क्लास नहीं ले पाए, लेट करें लास्ट क्लास नहीं ले पाए और टीचर वो टॉपिक पे आ गया तो टीचर दोबारा वो बोर्ड पे ना ना कराए, इसीलिए वो बुक्स को अगर रिकमेंड भी कर दे तो बुक्स में आराम से बच्चा वो देखे, उसे फॉर्मेट समझ में आ जाए कि भाई ये रिवेल्यूशन अकाउंट होता है, वो उसके लिए उसको स्पेशल उस चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी चैप्टर से वो आगे बढ़ सकता है। तो मैं यही कहूंगा, बट मैं फिर भी कहूंगा बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से सिस्टमाइज की हुई है, बहुत अच्छे से कंटेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं काफी दिनों से इसको यूज करता हूँ और मैंने अभी भी अगर मैं बात करें अभी भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ये बुक्स की हालत बता रही है कि मैं इस बुक को यूज कर रहा हूँ, आज ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी इसको यूज कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर ओसवाल, थैंक यू फॉर मी टू गिविंग अ स्पेसिमेन कॉपी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। ऐसे ही मेरी बुक आपने मुझे 11th क्लास की बिजनेस स्टडी की भी दी है, ये भी बड़ी अच्छी है। मैं केवल यही कहूंगा कि इसमें थोड़ा सा और जैसे कि अभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स कुछ क्वेश्चंस और डालें थोड़ा सा इजी हो जाए, और बच्चों के भी 20 मार्क बड़े वेटेज दे रहे हैं तो 20 मार्क थोड़ा आसान हो जाए। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद आपका, बड़ा बड़ा धन्यवाद, थैंक यू।